हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो लॉग में लेकर आया हूँ दुबई थीम पार्क वसुंधरा गाजियाबाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगा है वसुंधरा में। आप जैसे ही एंटर करोगे आपको इतना बड़ा एक ईगल दिखाई पड़ेगा जो मूव भी करता है बिल्कुल रियल के जैसा। तो आप अपने बच्चों को लेकर इधर ज़रूर आइए, उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कल हम लोग गए थे तो हमको भी बहुत मज़ा आया। और लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप राजनगर में रहते हो तो जैसे ही वसुंधरा के लिए वसुंधरा से राजनगर में आप चढ़ते हो उस वाले फ्लाईओवर के राइट साइड में आपको मिलेगा। और काफ़ी अच्छा मेला है, काफ़ी बड़ा मेला है, इसमें बहुत सारे झूले लगे हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप जब आओगे अपनी कार से तो पार्किंग की भी यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेले के बगल में ही पार्किंग स्पेस भी है। और आप जब आओगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, 100 रुपीज़ की टिकट है, 3 साल से ऊपर के बच्चों की टिकट लेनी ज़रूरी है। और ये आप इधर से एंटर करोगे, एंटर करने का रास्ता ऐसा है, आप एंटर करोगे, अभी बारिश हुई है तो नीचे थोड़ा पानी है तो सावधानी से आप जाइएगा, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश होती रहेगी, तो बहुत ध्यान से आप जाइएगा कि आप फिसल ना जाए, चोट ना लग जाए। तो ये कल हम लोग गए थे उसकी वीडियो है, और अच्छा लगा जाकर वहाँ पर कि बगल में बिल्कुल पास में इतनी बढ़िया चीज़ आई है, तो हमको भी ज़रूर जाना चाहिए। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो स्टार्टिंग होती है फ़िश टनल से, यहाँ पर बहुत सारी फ़िशेज हैं अलग अलग तरह की, देखिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप फ़िशेज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बहुत सारी फ़िशेज है और ये बहुत क्यूट से छोटे छोटे टर्टल भी थे वहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं थे, कुछ ही थे, मगर जिन बच्चों ने नहीं देखा असली में उनका एक एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि फ़िश तो दिख जाती है मगर टर्टल नहीं दिखते। और एटलीस्ट वहाँ पर 15 से 20 अलग अलग बॉक्सेस थे, फ़िश टैंक थे जिसमें फ़िशेस थी अलग अलग तरह की, आप देख सकते हो अलग अलग तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। उन्होंने नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिखा होता तो थोड़ा सा आपका नॉलेज भी हो जाता कि इस फिश का नाम क्या है, तो नाम नहीं लिखा हुआ है, बस वहाँ पर फिश रखी है आप देख सकते हो, और अच्छी खासी क्वांटिटी में भी फ़िश थी वहाँ पर अलग अलग तरह की। आप ये देखो इस तरह की फ़िशेस आप लाइव जाके वहाँ देख सकते हो। और ये एक बहुत ही अजीबोगरीब फिश दिखी जिसके सर के ऊपर एक राउंड सा बबल जैसा कुछ था, और ये आपकी गोल्डन फिश थी अलग अलग कलर की, और ये शार्क की तरह दिखने वाली फिश दिखी हमको, बहुत सारी फिशेस थी। आप अगर चाहते हो 1-2 घंटा निकालना घर से बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए, तो आप आइए इधर वसुंधरा सेक्टर 5 बुद्ध चौक के बगल में दुबई थीम पार्क मेला, और यहाँ पर आप फोटो शूट कर सकते हो, आईफिल टावर लगा है, सेल्फी ले सकते हो, झूले झूल सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। और ये एंजल फिश है ब्लैक कलर की, मिक्स कलर की, ये भी थी वहाँ पर, आप देखो ये सारी फिशेज वहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। ये भी फिश वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये आपको कलरफुल गोल्डन फिश सिल्वर कलर की, और यहाँ बहुत ही माइक्रो मिनी साइज की छोटी छोटी फिशेज भी थी। और जब फिश टैंक वाली लाइन ख़त्म होती है तो ऐसा बड़ा सा हॉल था जहाँ पर और भी फिशेज रखी थी, ये वाली फिश मैंने पहले नहीं देखी थी, ये अच्छी लगी मेरे को। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पर आप फोटो क्लिक कर सकते हो, सेल्फी पॉइंट बहुत सारे बना रखे थे इन्होंने, आप सेल्फी ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो। और ये आपका रॉकेट भी था सैटेलाइट वाला इसरो का। और ये टनल बहुत मज़ेदार था, क्यों मज़ेदार था, क्योंकि उसमें आपके
चारों तरफ फिशेज ही फिशेज थी, दाएं बाएं ऊपर जहां आप देखोगे वहीं पर फिशेज थी। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए फिश टनल देखना, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, ज़रूर देख कर आइए ये मेला। और ये क्रोकोडाइल की तरह बहुत बड़ी फिश थी जो देख के डर भी लग रहा था। तो एक ही जगह इतनी सारी चीज़ हो तो जाना बनता है, जाइए घूम के आइए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अकेले, जैसे मर्जी। मैं आपको वीडियो के नीचे गूगल मैप का लिंक दे दूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिशेज हैं। तो ये टनल होता है ख़त्म, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये ब्लैक गोल्ड फिश, ये बिल्कुल एंड में ये फिशेस थी बहुत सारी। बच्चे हैं तो उनको लेकर जरूर जाइए, उनको भी दिखाइए। और फिश टनल के बाद शुरू होता है सेल्फी पॉइंट। आप देखिए यहाँ पर कितने सारे अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट हैं। आईफिल टावर है, दुबई का फेमस बिल्डिंग्स हैं, क्लॉक टावर है जहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हो। ये मलेशिया का ट्विन टावर भी लगा रखा है। अच्छी जगह है, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने देखा एक रील बनाने वाला भी था जिस पे आप खड़े हो जाएंगे तो चारों तरफ से आपका वीडियो बनेगा गोल गोल, बहुत ही अच्छा ये रील बना सकते हो आप जिसमें मेले के चारों तरफ का एक वीडियो होगा। तो ये आजकल एक नई चीज़ है। उसके बाद शॉपिंग की बहुत सारी दुकानें भी हैं वहाँ पर, हर तरह की शॉपिंग कर सकते हो। टॉयज़ हैं, डेकोरेटिव हैं, होम डेकोरेटिव हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अचार पापड़ वगैरह वगैरह। ये कप्स वगैरह हैं आप ले सकते हैं, भूत बंगला है, झूले हैं, ट्रैम्पोलिन है बच्चों का, बहुत सारे झूले हैं बहुत बड़े बड़े। अगर आपको झूला झूलने का शौक है तब तो जाना बनता ही है। सॉफ्ट टॉयज की दुकान मिलेगी आपको और इस तरह के भी झूले हैं। इतने सारे झूले एक साथ हैं, शायद मॉल में भी नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि कुछ झूले बहुत ही बड़े थे। झूले ही झूले, जिधर देखो झूले। ये देखिए चारों तरफ कितने अलग अलग तरह के झूले हैं।
काफ़ी हाइट वाला झूला था, इसके ऊपर से आपको पूरा शहर दिखेगा। आइसक्रीम खाइए, टिक्की खाइए और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। ऊँट की सवारी भी यहाँ हो रही थी। बच्चों के लिए पानी वाला बोट था जो बैटरी ऑपरेटेड था, वो भी बहुत अच्छा था। और झूले की टिकट ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 50 रुपये 100 रुपये ऐसे ही है। बहुत सारा फन आप कर सकते हो जाकर। ऊँट की सवारी है 100 रुपीज़ की है, आप आराम से जाइए ऊँट के ऊपर बैठिए, वीडियो बनाइए।